बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने चार और स्टॉक पिक किए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरह मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो काफ़ी पाइल्ड अप हो गई है रिक्वेस्ट। तो आज मैंने पिक किया है OGDC, PPL, ATRL, नेशनल रिफाइनरी। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे मिली थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप इसमें एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दूं कि थर्सडे जो है, आज जिस वक्त मैं कर रहा हूँ थर्सडे है, आज हॉलीडे है और फ्राइडे को है इसका वीकेंड है, तो इसलिए मैंने वीकली चूज किया है डेली के बजाय। डेली पे भी हम थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो मैंने यहाँ से वीकली चूज किया है, तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। तो चलिए आइए हम सब मिलकर उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। तो इसका अगर स्टॉक देखें तो ये यहाँ पर काफी, यहाँ इस एरिया पे काफी सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने। ये वाला एरिया जो अगर हम ले लें, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको मैं ये, सॉरी, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया जो है वीकली पे काफी अच्छा सपोर्ट एरिया रहा है। थोड़ा सा और इसको, इसकी भी वीक ले लेते हैं, ये वाली कैंडल की जो बेरिश कैंडल है, 93 रुपए 50 पैसे एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, एक यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, ये सूनर और लेटर फिल होता है। ये भी आपको बता दूं, गैप हैज टू बी फिल्ड। अभी तो फिलहाल ये अपसाइड पे ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। एक ये एरिया जो है और एक ये एरिया सपोर्ट का नजर आ रहा है जहां पे इसने यहाँ एक्यूमुलेशन की है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो अच्छे सपोर्ट एरिया हैं। ये जो है यहाँ से हो सकता है इसको जो है ब्रीज भी कर जाए आने वाले दिनों में, फिर ये अगेन जो है सपोर्ट एरिया ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये तो अभी काफी दूर की बात है। अभी फिलहाल जो है वो करंट सिनेरियो में देखें तो हो सकता है ये 111 को ये वापस रिटेस्ट करे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, या इसको ब्रेक भी करे, ठीक है, इसका हम पता फिर आगे जाके। अभी तो फिलहाल ये हाईएस्ट साइट पे जो है, यहाँ पे रिजेक्शन हमने विटनेस की है, तो इस वक्त ये सेलिंग एरिया है। तो अभी फिलहाल जो है सीपीआर की मदद से अगर हम देखें तो सीपीआर जो है अपर साइड पे श्रिंक हो रहा है, तो इसकी दो जो है इसमें सिनेरियो बन सकते हैं। या तो ये जो सीपीआर का लोअर बैंड है 99.10 जो है इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है वापिस से 93 पे इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से वापिस अपसाइड पे जाए, या फिर इसको 93.50 कोई ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो फिर 83 और ये वाला ये सपोर्ट एरिया जो है यहीं कहीं से इन इसको भी हटा देते हैं गैप वाले को। मैंने खाली आपको बताने के लिए किया था कि ये एरिया इग्नोर नहीं करना चाहिए, सूनर और लेटर ये रिटेस्ट हो सकता है। बहरहाल अभी इस वक्त जो है ये एरिया जो है आफ्टर सीपीआर 93.50, 88.32 और 83.92, ये एक सपोर्ट एरिया अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं अपर साइड पे। अब हम एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, अपर साइड पे देखें तो हम एक तो ये यहां से हम ट्रेंड लाइन की मदद से ले लेंगे अपर साइड। पहले तो हम ये ले लेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की मदद से हम यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे। देखिए, इसने ये हायर हाई फिर हायर हाई किया था, तो हो सकता है एक तीसरा है हायर हाई आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। एक तो हम ये एरिया लेंगे लाइन चार्ट की मदद से और फिर हम ये कैंडल स्टिक की मदद से हम इसकी विक लेंगे जो रिजेक्शन आई थी, ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा एक मिनट, लाइन चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। अभी फिलहाल जब से इसने ये 95.81 को सस्टेन किया है, यहाँ से हम ले लेते हैं अपर साइड। तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे ये अपर साइड जो है नजर आ रही है, ये भी ले लेते हैं, चलें, ठीक है। अब हम ये, ठीक है, तकरीबन
ये इतना ही बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, ये एरिया जो है, ये सपोर्ट एरिया इस वक्त जो है वो सीपीआर के करीब ही है, जो लोअर लेवल है 9910, और इवन ये जो है 9848, ये वाला एरिया जो है सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप फिलहाल जो है 9910 जो है, हो सकता है कि इसको यहाँ पे वीक बने, फिर क्लोजिंग जो है 9910 के ऊपर आए तो फिर ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है स्टॉक। अच्छा, और तीसरा जो है हम मदद लेंगे जो फिबोनाची है, उससे हम मदद लेंगे। ये जो अभी जब से ये वीकली पे ये वाला देखें, ये लो किया था, ये हाई किया था, इसके बाद ये लो किया है, ठीक है। तो अभी इसमें हाई में तो जिससे मैंने को पहले बताया कि ये हम इसको रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं 111 रुपए, ये वाला आने वाले दिनों में 111 112 अगर हम इसको और भी यहाँ ले लें ये वाले पिक को वीक वाले, तो ये यहाँ पे अपने आप को रिटेस्ट कर सकता है 112 113, ये वाला 112 62, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे नजर आएगा। अच्छा, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है और इसके ऊपर ये एटलीस्ट परफॉर्म करता है 113 के ऊपर, तो फिर ये फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है 1.618, इसको ये फिर आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकता है, फिर रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये होगा और टारगेट भी यही होगा, ठीक है। इन बिटवीन अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इन बिटवीन हर्डल जो है वो ये एक हमें ये हर्डल मिल सकता है यहाँ पर 117 118, ये वाला एरिया जो है ये एक हर्डल आ सकता है बीच में, ये वाला एरिया 117 90, ठीक है। तो आगे जाके अपने आपको यहाँ पे फिर ये दोबारा फिबोनाची का जो मैंने बताया था 125 126 रुपए 25 रुपए 26 रुपए, ये एरिया जो है आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकता है। अच्छा, अगर हम नीचे की तरफ नजर डालें, थोड़ा सा उसको मैं जूम इन कर दूं फिर आपको समझाने के लिए बता दूं। अभी देखें ये 50 पे, ये इसका जो गोल्डन रेशियो का इनवर्स है 0.618, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर दूं और एक्सपेंड कर दूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए, ये वाला एरिया 102 61। अच्छा, पहले ही मैंने कहा था 103 102 61, और बल्कि टू बी ऑन द सेफ साइड जो सीपीआर का लेवल है 103 46 या 103 50, इसके ऊपर जो है बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है। बुलिश कैंडल मैंने आपको पहले ही बताई थी, दोबारा आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर ये बुलिश कैंडल मैं येलो कलर दे रहा हूं क्योंकि मेरा ये अपना कस्टमाइज कलर है। ये कैंडल अगर बनती है तो फिर आने वाले दिनों में 111 117 और 126 ये लेवल जो है एक्सपोज हो जाएंगे, ये इनको दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। और जिस तरह आपको मैंने ब्रेकडाउन का भी बता दिया, ब्रेकआउट का भी बता दिया है, और वॉल्यूम पे अगर नजर डालें तो वॉल्यूम इतने अभी ज्यादा नहीं हुए एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। लास्ट वीक में जो है 40 मिलियन का हुआ था और इस वीक में जो है 31.7 मिलियन का हुआ है। RSI 62, 63, 62, 59 से लेके 63 तक रहा है, और यहाँ पे देखें थोड़ा सा डाइवर्जेंस, ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझाने के लिए बता दूँ, हल्का सा डाइवर्जेंस यहाँ वॉल्यूम पे आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए। और आने की वजह भी यही कि ये इसके एक्स होने की तारीख 10 नवंबर की है, तो जाहिर सी बात है वो जो उसकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से ये नीचे आएगा। जो डिविडेंड की डिविडेंड इसमें आई थिंक 1.60 रुपए है, तो उसमें ये नीचे आ सकता है स्टॉक, ठीक है ना। ये इसको मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ये ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं लेकिन वॉल्यूम पे जो है डाइवर्जेंस आ रहा है, ये यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अपसाइड मूवमेंट यहाँ से प्राइस पे आ रही है, ठीक है, प्राइस अपर साइड पे जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं, तो अपर साइड के मतलब वॉल्यूम कम हो रहे हैं। इस वक्त जो है बायर जो है इन रेटों पे अभी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ डोजी भी बनता हुआ नजर आ रहा है इंडिस ऐसे, यहाँ सेलर भी अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, सेलर भी किसी बेरिश रिवर्सल का या बेरिश इंडिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी तक इंडिकेशन मिली नहीं है,
मेरे हिसाब से तो मैंने पहले भी कहा था कि अच्छा स्टॉक है, और जब से इसकी अर्निंग मैं आपको बताता हूँ, अर्निंग इसकी आई थी अभी 52 रुपए की, और सिर्फ जो है 2.5 रुपए 75 पैसे जो एक्सपेक्टेड थी। तो ये अच्छा, इसकी मैं वजह बताऊँ कि अर्निंग ज़्यादा आ रही है और डिविडेंड कम आ रहा है, ऑब्वियसली कैश फ्लो का इशू है, जो सर्कुलर डेट है उसका इश्यू है, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी पावर सेक्टर को मिलना शुरू हुआ है, फिर पावर सेक्टर से ये फिर जाएगा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के बाद रिफाइनरी, फिर एक्सप्लोरेशन, ये फिर ये कि चेंज चली आ रही है, और यही देखेंगे ये ऑटो सेक्टर के बाद जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो ऑयल एंड सेक्टर है। तो उसमें सीमेंट भी है, सीमेंट के कुछ स्टॉक है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देख रहे हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे, स्पेशली रिफाइनरी में, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, उसमें काफी अप्रिसिएशन मिली है प्राइस की। तो इसमें भी होपफुली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, अगर ये रिजोल्व हो जाता है, इनको ट्रांसफर हो जाते हैं सारे सर्कुलर डेट जो उनको पेमेंट मिली सर्कुलर डेट की मद में पावर सेक्टर को, तो ऑयल एंड गैस की पेमेंट करते हैं, तो ये अच्छा बेनिफिशरी हो सकते हैं दोनों स्टॉक, पीपीएल का भी मैं करूंगा, तो पीपीएल और जेजेसी दोनों बेनिफिशरी होंगे। तो अभी तो फिलहाल ये इस वक्त जो है 103 रुपए 40 पैसे तो ऊपर जाता हुआ अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये इसको क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में ये 111 रुपए जैसे मैंने आपको बताया था ये दिखा सकता है। अच्छा, दूसरा स्टॉक हम लेंगे पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसमें थोड़ा सा देखे ना यहाँ पे ये अपर साइड पे ये अब ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया इस स्टॉक ने, देखेंगे मैक्सिमम 184 रुपए 17 पैसे 86-80 तक भी गया था 87 रुपए तक, लेकिन ये यहाँ पे जो है इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 83-90 सॉरी 83-80 और 84 रुपए करीब, ये इस वक्त जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे भी कर ले मैक्सिमम यही यहाँ तक 86-92 यहाँ तक जा सकता है, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसके। ठीक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया के दरमियान, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है 82 रुपए 98 पैसे। अच्छा, सीपीआर के अगर हेल्प से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दें, 79.97 और 80 रुपीज 88 पैसा 81 रुपीज 74 पैसा ये सीपीआर के लेवल्स हैं। तो एटलीस्ट इसके ऊपर देखें, वीकली मैं जब वीकली जब शेयर करता हूँ, देखें यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल ये देखूं तो इसने क्लोजिंग तो दी थी 82 के अराउंड 81.7, लेकिन इसको नेक्स्ट कैंडल ने इसको निगेट किया, दैट मींस के यहाँ पे जो है रिजेक्शन नजर आ रही है, रेजिस्टेंस विद रिजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी नजर डालें हम आरएसआई पे, तो हल्का सा डाइवर्जेंस आरएसआई पे यहाँ हमको नजर आ रहा है, सच में नजर आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पे भी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे परफॉर्म करता हुआ नजर आए, लेकिन हो सकता है समटाइम्स मैं आपके साथ अभी एक क्रूड का भी शेयर करूंगा, तो उसमें होता है कि समटाइम डिच कर जाता है, तो चले आपके साथ साथ के साथ आपको बता भी दूं, ठीक है ना, ये वाला मैंने एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ, और इसमें मैंने यही बताया था कि ये अपर साइड पे क्रूड जा रहा है लेकिन मुझे नीचे लग रहा है। ठीक है, मैंने इसका टारगेट जो है 79.80, अभी इवन जो है इस वक्त जो लेटेस्ट अभी चल रहा है क्रूड वो 75.44 के अराउंड चल रहा है डॉलर पर बैरल। अच्छा, जब ये मैंने शेयर किया था तो मुझे पर्सनली काफी मैसेज आए, कहना ये तो डब्ल्यू बुलिश बन रहा है और ये तो बहुत ऊपर जाएगा, उस वक्त जो है आपके इसी इन्वेस्टिंग में और जो इंटरनेशनल मीडिया उसमें क्रूड की खबरें काफी आ रही थी कि 100 डॉलर तक चला जाएगा, 100 डॉलर पर बैरल, तो उस वक्त यही मुझे बता रहे थे आप, पता नहीं ये तो ये फलस्तीन की जंग छिड़ गई है और इसमें जो है तो क्रूड तो बहुत ऊपर जाएगा, तो
बहरहाल मैंने इस पे कब ये लिखा जी था कि ये डब्ल्यू बुलिश पैटर्न बना रहा है। इस वक्त ये मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई थी इसमें, ये ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्टिव चल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये मैंने बताई थी। ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, काफी लंबी जो है बेरिश कैंडल बनी। इसके बाद एक ही थोड़ा छोटा सा डोजी बना। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्रूड केस में, थोड़ा सा इसको मैं, ये उनके लिए है जो टेक्निकल सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। आप जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो स्किप कर जाएं। देखें यहाँ पे लिखा था बेरिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल। ये देखें इसकी कंटिन्यूशन जो है, ये आपको बता रही थी बेरिश। और यहाँ पे मैंने कहा भी था कि ट्यूजर टॉप बन रहा है, लिखा भी था मैंने यहाँ वाली वीडियो में। अगर आप देखें तो मैंने लिखा था ट्यूजर टॉप। तो इसके बाद अगर कोई इसका सिग्नल मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे अब यहाँ पे जो है ये दोनों सिग्नल दे रहा था। ये वैसे तो ये बेरिश सिग्नल है, अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बन जाती तो ऑब्वियसली ये इसका अगला टारगेट भी मैंने दिया हुआ था, शेयर किया था। ठीक है, ये 112 रुपए तक का, $112 पर बैरल, ये इसका फिबोनाची का रेशियो था, 1.61 गोल्डन रेशियो था, 1.618। तो अभी आपने देखा, अच्छा इसका जो अभी टारगेट जो था वो 75-76 था इनिशियल। इसके बाद जो हो सकता है इसको ब्रेक करेगा तो 63, और अगेन फिर फिबो को $47 पर बैरल भी टच कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अच्छा, इसी की कंटिन्यूशन में मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखना भूल गया था मैं, ये आईबेक्स ग्लोबल का है। ये डब्ल्यू, ये अगर देखें तो ये बुलिश डब्ल्यू पैटर्न था। यहाँ मैं लिखना मेंशन करना भूल गया था उसमें, तो मैंने मेंशन जो है पर्पजली नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था। तो ये हो सकता है आगे जाके देखें, ये थोड़ा सा ये अपने आप को हो सकता है फिर दोबारा दो दफा या तीन दफा बॉटम बनाए $13 तक, या इवन $10, $11 के, 13 से 11 डॉलर के दरम्यान ये मूव कर सकता है, या रिजेक्शन यहाँ पे सपोर्ट जो है आ सकती है। फिर इसके बाद जो है ये आपका 17 अभी उसने टच किया था जब मैंने शेयर किया था, जब $16 के अराउंड था। फिर ये $17 और $19, और फिर इसके बाद अगर उसको $19 क्रॉस करता है तो फिर ये वापस $23 को रिटेस्ट कर सकता है। तो आपको पता है आईबीएस ग्लोबल का ताल्लुक टीआरजी से, टीआरजी की सब्सिडियरी है, या यूं समझ लें टीआरजी इसकी पेरेंट कंपनी है। तो ये मैंने आपको खाली टेक्निकल समझाने के लिए बता दिया है। चलिए हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, पीपीएल का भी यही सेम सिनेरियो है। ये अपर साइड पे ये जो है 86, 84 से 87 तक का जो है, या 83 समझ लें, 83 से 87 तक का है, रेजिस्टेंस एरिया है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। सीपीआर का लेवल मैंने आपके साथ बता दिया है कि अभी इस वक्त जो सीपीआर के अंदर अंदर ही देखें, यहाँ पर ये मैं आपको एक और भी, ये यहाँ पे सपोर्ट एरिया जहाँ से विक बनती है वो एरिया भी बता देता हूँ, ये वाला। ये वाला एरिया, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 79.22, ये एरिया जो इस वक्त सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसी में ये एक्यूमुलेट, सॉरी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी जो ट्रेडर जो है उनके लिए तो मैं जो है बताऊंगा, जो इन्वेस्टर भी है जो नीचे पे लेना, जो उन्होंने हाई साइड पे ले लिया है, जो नीचे लेना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, या फिर इसमें आप इसी स्टॉक में आप ट्रेड भी करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी बहुत अच्छा है। जिसका मैंने अभी पहले बताया कि ये रिजोल्व होना शुरू हो गया सर्कुलर डेट का इश्यू, तो लोअर साइड पे जो हम देखें तो ये इसका सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। और ये पहले भी देखें 76 पे ये पहले भी आ चुका है यहाँ पे इसी एरिया पे। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि हम इसको ले लें, इसकी नेक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, नीचे विक बन सकती है 71 पे, 71 के अराउंड, लेकिन 72 का एरिया जो है अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आरआई से भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। डेली पे अगर हम इसको देखें तो डेली में आरआई से भी 54 पर है, दैट मींस के इस पर ये कंसोलिडेट या साइडवेज है। देखें यहाँ पे 79 से लेके अगर हम देखें तो मैक्सिमम 83 तक जाता है। ठीक है ना, या 80-250 तक जाता है ये स्टॉक अभी फिलहाल। ये यहाँ इस छोटे से बैंड में जो है अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, ठीक है, सीपीआर में तो और थोड़ा श्रिंक हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में देखें, एक ये बैंड जो है नजर आ रहा है
8298 से लेके 7997, ये एरिया जो है, एक इसकी नेकलाइन ले ली हमने रेजिस्टेंस और इसकी नेकलाइन सपोर्ट ले ली हमने। तो इस वक्त अभी करंट सिनेरियो में तो ये स्टॉक इसी तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वापस हम वीकली पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहां से हम एक फिबोनाची बना लेते हैं, यहां से ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये एरिया जहां से इसे सपोर्ट लिया था, फिर एक हाई किया था इसने 72 का लो करके, फिर इसने 86-80 का हाई किया। अगेन अगर ये 86-80 को क्रॉस करता है तो फिर ये 95 का एरिया जो है फिबोनाची का, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हम दोबारा देख सकते हैं। 95-89 या 96 रुपीज का एरिया जो है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये फिर टारगेट हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख ले हम थोड़ा इसको, थोड़ा सा नैरो करके कंप्रेस करके तो इसको डिलीट कर देते हैं, और हम थोड़ा सा इसको जूम आउट भी करके देखेंगे, ठीक है ना। देखे ना, अब ये वाला एरिया जैसे मैंने बताया 8298, ये वाला एरिया जो है इस वक्त, वो इसकी वजह ही है। इसको थोड़ा सा मैं और आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, एक ये वाला एरिया है। अच्छा, फिबोनाची का जैसे मैंने बताया था 95-91, तो ये एरिया अगर हम उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लें तो ये एरिया यहाँ पे ये बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके हैंडल के मैंने नेकलाइन लिया रेजिस्टेंस 95.58 टू 96 तक भी जा सकता है, ये वाला एरिया जो है 96.90, 95 से 97 जो है ये एरिया जो है रिटेस्ट हो सकता है। इसको भी मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है, 95.58, 97.16 ये हो सकता है रिटेस्ट। अच्छा, और ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें, अगर ये इसको ब्रेक करता है 72 को तो फिर ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये सब इन्वेस्टर दोनों के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी जो नीचे पे लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने हायर साइड पे ले लिया है फिर वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं, तो ये उनके लिए है कि इतनी जल्दी 8-8 एक एक रुपए में फिर एवरेज ना करें उसको, फिर नीचे आने का वेट करें, हर सपोर्ट लेवल पे रेशनली आप बाय करें। इसको भी हम थोड़ा लाइन चार्ट की मदद से इसका भी हम ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, ठीक है, ये एरिया जो है सपोर्ट एरिया जो है ये वाला एरिया, तकरीबन समझिए ये वाला या ये वाला एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है 77-73, ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है, ये इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे आए तो थोड़ा फिर आप मोहतात रहे, फिर यहाँ पे अगर आपने लेने का सोचा है 79 के या 77, ये मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन करके बता दूं, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वीकली पे भी शेयर कर रहा हूं मैं, ये नेकलाइन, ये इसकी सॉरी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो है, ठीक है, ये वाला बन रहा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसकी 79। मैंने इसलिए इसको बनाया नहीं था कि एक तो ये एरिया, एक मिनट थोड़ा एक्सपेंड कर दूं तो आपको आपको समझ में आ जाए, ये वाला 78 का एरिया, अब मैं आपको ये इसके हिसाब से बता देता हूँ, ये वाला ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो ये भी रिटेस्ट कर सकता है ये भी। तो यहाँ से थोड़ा सा ले, अगर इसको ब्रेक करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ये क्रूड ऑयल का, कि भाई इसने ये यहाँ पे ये इसको ट्रेंड लाइन जो चली आ रही थी उसको ब्रेक किया, तो ये अपनी नीचे की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये वाला सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ जो टेक्निकल समझना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इसको रिस्पेक्टिवली इसकी चल रहा था स्टॉक और क्रूड जो है, इसको ब्रेक किया और इसको इसने कंफर्मेशन दी तो ये नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे इस पे यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब देखें अभी बेरिश बनता जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे ये कहीं सपोर्ट ले। ये एरिया जो है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये जो बुलिश कैंडल है इसकी मैंने नेक लाइन ली है, ये वाला एरिया जो है एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे आप सपोर्ट ले,
अभी करंटली तो ये भी क्रूड का ये 71, अभी जैसे 75 पे तो हो सकता है समवेयर 75, और इसकी भी नेकलाइन ले लेते हैं यहां से, ये 73, 72 टू 71, 86। तो ये ब्रेक हुआ है। इसी तरह इस पे भी ये पीपीएल का भी आपको बता दूं मैं, ये इतना अपसाइड पे गया है, इसी तरह स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल ये। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो फिर ये 72, और अगर हम इसका भी ले लें नेकलाइन 72, 68, 63, ये वाले एरियाज जो है ये रिटेस्ट कर सकता है। और अपर साइड पे मैंने आपको बता दिया 87 ब्रेक करता है, तो 95, बिटवीन 95 टू 97 ये रिटेस्ट कर सकता है। अब अगला स्टॉक लेंगे ATRL। ATRL भी वीकली पे थोड़ा सा नजर डालें तो RSI जो है यहाँ पे ये 70 पर है, वीकली पे काफी ज्यादा है। डेली पे नजर डालें तो डेली पे इस वक्त 57 के अराउंड है, उस पर थोड़ी सी हमने करेक्शन विटनेस की थी। अपर साइड पे ये गया था स्टॉक, वीकली पे आ जाते हैं, इसका हाई देख लेते हैं। देखें यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, ये वाला एरिया, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं, यहां पर भी हमने रिजेक्शन देखी थी इसमें। अब जो है करंट सिनेरियो उसका यही है कि इसमें ये सीपीआर देखना, ये पूरे वीक में ये कैंडल बनी और ये सीपीआर के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, ठीक है ना। यहां से वीक बनाई है, ये वाला एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसने यहाँ पे 280 के अराउंड जो है इसने लो भी किया था, और इसने फिर अपर साइड पे मूवमेंट दिखाई है, ठीक है ना। इसका अभी वैसे तो देखा जाए तो 281.29 ये सपोर्ट एरिया है, 280 कुछ 10 का इसने अभी इस वीक में लो किया, लेकिन अब क्लोजिंग जो है इसकी 289.90 पे आई है। और अगर हम इसका मिडिल बैंड देखें तो उसके इसके नीचे ही आई है, 291.30 इसका मिडिल बैंड है सीपीआर का, इसके नीचे ही आई है, ठीक है ना। अगर इसकी इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर कोई ओपनिंग होती है, जैसे 291.30 इसके ऊपर कोई ओपनिंग होती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन अगेन उसी कैंडल को कोई दूसरी कैंडल निगेट ना करे। तो ये अपर साइड पे जो है आपको 307 रुपए तक भी वापिस दोबारा दिखा सकता है। और जिस तरह अभी सीपीआर जो है बहुत हायर, सॉरी RSI जो हायर साइड में जा रहा है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए ऊपर अप वीक बना के। अब यहाँ पर भी देखें, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता, पहले भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पर भी हल्का सा डाइवर्जन नजर आ रहा है, लेकिन बाद अवकात थोड़ा सा होता है कि एक बहुत ही रैली चल रही हो तो वो डाइवर्जेंस कभी कभी काम नहीं करता है। इस तरह पाइनियर में बन रहा था, पाइनियर में जो है फंड की बाइंग थी, तो मैंने कहा था देखे डाइवर्जेंस आ रहा है 78, 79 पे, लेकिन हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और पाइनियर सेवन यहाँ से ऊपर गया, तो इस पे भी अभी डाइवर्जेंस देखे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला देखे यहाँ पे, ये मैं आपको दोबारा से बता दू, ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है RSI पे डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस देखें, ये बेरिश डाइवर्जेंस है, तो वो अगेन इसकी कंफर्मेशन आपको सीपीआर से मिलेगी। इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है 296 के ऊपर तो 307, और इवन ये 320 तक भी ये जा सकता है, ये वाला स्टॉक। ये मैं आपको दोबारा से यहाँ लिख के ये वाला एरिया जो है ये रिटेस्ट कर सकता है अपने आप को ये, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ही हम देख सकते हैं क्योंकि RSI काफी हाई है, ठीक है। चौथा हम स्टॉक लेंगे नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली कर लेंगे, टाइम काफी हो गया है। इसमें भी देखें तो ये अपर साइड पे, इसको हम इसमें आ जाएं, ये वाला अपर साइड पे अगर हम देखें तो ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस है, इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूं, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है अभी रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे RSI इसका भी 69 पर है, थोड़ा हायर साइड पर है। डेली भी RSI 62 पर है, तो अभी इसमें भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं लाइन चार्ट पे, तो इस पे भी हल्का सा स्लाइटली सा डाइवर्जेंस यहां पर भी नजर आ रहा है RSI पे, और
यहाँ पर देखेंगे इसकी क्लोजिंग जो है वो अपर बैंड के ऊपर नहीं आई है। इसकी अपर बैंड जो है 258, 45 है, और क्लोजिंग जो इसकी आई है 256 के अराउंड आई है। ठीक है, इसका भी अगर हम देखें तो अच्छा सपोर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये वाला एरिया, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है ना, इसने लो किया था अभी 245 का, और यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई है इसने। ठीक है, इसका ये वाला जो मैं आपको थोड़ा सा, और ये एरिया बड़ा क्रूशल है, स्पेशली ये वाला एरिया। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेक डाउन होता है इसको, या मतलब इसको ब्रीच करता है, तो ये आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन ये एरिया 222 का, और ये एरिया 207 का, ये एरिया रिटेस्ट कर सकता है। अपर साइड पे अगर हम देखें तो अपर साइड तो 269 पे हमने रिजेक्शन देखी है, इस बुलिश कैंडल को इसने निगेट किया है, तो थोड़ा केयरफुल होके काम करें, थोड़ा सा इसमें भी डाइवर्जेंस आ रहा है। तो अपर साइड पे अभी तो फिलहाल अभी इस पर तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें अगर इसके हेल्प से देखें तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इसका गोल्डन रेशियो है वो 276 के अराउंड नजर आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है, बहुत दफा ऐसा, काफी दफा आपने देखा है कि एक बेरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो है एक्टिवेट होते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही तेजी से बुल रन दिखाता है, तो ये वाला एरिया जो है रिटेस्ट हो सकता है, और यहाँ रिजेक्शन भी कोई बड़ी वीक बनते हुए देख सकते हैं अपर साइड पे ये वाला एरिया। इसको मैं भी रेड कलर दे देता हूँ, ये फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है। तो अभी तो फिलहाल देखें इसमें जो इन्वर्स की तरफ भी नहीं आया है, 215 भी नहीं आया है, और 0.786 भी नहीं आया है। ठीक है, इवन जो इसका अभी हाई किया था 244 के थोड़ा सा इसके अराउंड आया था ये, मैं थोड़ा सा इसको ये बता दूं, थोड़ा सा करीब करीब आया था, 245-60 का लो गया था, तो ये उसके करीब आया था लेकिन इसको ब्रीच नहीं किया है। तो जैसे ही, वैसे मैंने आपको ये एरिया बता दिया 290, ये वाला 2239, 238 ये वाला एरिया, इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो थोड़ा आपने वेट करना है, फिर अगर आपने एवरेज करनी है तो फिर नीचे साइड पे जो मैंने बताया है उस पे आप वहां पे रेशनली एक्यूमुलेट करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।